सुन्नी इतिहाद काउंसिल ने मुहर्रम उल हराम के बाद बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुशर कहते हैं हुकूमत ने सिर्फ 3 यूनिट के फर्क से प्रोटेक्टेड सार्फ को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। टिक टॉकर वजीर आला 30,000 महाना कमाने वाले मजदूर का बजट बनाकर दिखाए। तकरीबन 30,26,000 सार्फीन को प्रोटेक्टेड सार्फीन को निकाल के नॉन प्रोटेक्टेड में डाल दिया, सिर्फ 2 यूनिट यानी 298 यूनिट और 301 यूनिट। इसका 198 और 201 यूनिट, 3 यूनिट की वजह से इन्होंने 3,26,000 सार्फीन को इन्होंने नॉन प्रोटेक्टेड में डाल दिया है। 3 पंखे एक घर में, अगर एक घर के 3 पंखे चलते हैं, 4 बल्ब चलते हैं उस घर के, तो बिल आ रहा है उसका 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये 30,000 से कम आमदन वाले लोगों का, आप 9,000 जब बिल हो तो आप उसका महीने का बजट मुझे ये एडजस्ट करके टिकटॉक कर चीफ मिनिस्टर और इसके चचा साहब दे दें।